हाँ तो मेरे प्यारे भक्तों, देखते हैं इस कहानी की तरफ। क्या है इस कहानी में, क्या रहस्य छुपा हुआ है इस कहानी में, वो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो हमारा एक कहना है, क्या कहना है अवधेश भैया, दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोतों को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। जमाने में जैसा करता है वैसा ही भरता है, ये कलयुग है। कलयुग का मतलब होता है कर, करयुग, जैसा कर वैसा भर। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ, हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। इस दुनिया में एक दूसरे की पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं लोग। आज इस कहानी में एक छोटी बहन ने बड़ी बहन के साथ में कितना बुरा किया था, वो कहानी में तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। सुनो लगा कर ध्यान, कथा में नहीं सुनाता हूं। सुनो लगा कर ध्यान, कथा में नहीं सुनाता हूँ। ए प्रेम बुरी
समझना मेरे में आवे, अरे समझना मेरे में आवे, अरे सुन सुनिए सी बात जी आयब मेरो घबरावे भैया, लगी हो आग पेट्रोल से बुझाए कोई को बुझेगी के सारे गांव को जला के राख कर देगी, हलवाई की दुकान पर कुतिया रखवारी के लिए छोड़ दी जाए वो रखवाली करेगी कि रबड़ी को खाएगी, बताया है संभल के सब लोगों से मेरा कहना है, याद रखना मेरे भैया अभी हमने बताया था लगी हो आग पेट्रोल से बुझाए कोई बुझेगी कि सारे गांव को जलाएगी, हलवाई की दुकान पर अगर कुतिया रखवाली के लिए छोड़ दी जाए वो रखवाली करेगी कि उसकी रबड़ी को खाएगी, यही हाल है मेरे भैया इस कहानी में। एक गांव की बात है, एक व्यक्ति के दो लड़की हैं, उन दोनों लड़कियों को बाप ने बड़ी मेहनत करके बड़ी प्रेम से पाला है, दोनों बहन बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बहन और छोटी बहन, लेकिन छोटी कुछ ज्यादा खूबसूरत थी, कितनी सुंदर है, अरे थी चंद्र बदन युजियारी, चोका था
छोटी जो थी उसकी बड़ी सुंदर छट छबई बहुत ही प्यारी लगती है। जब बड़ी बहन की शादी हो गई और वो अपनी ससुराल के लिए चली गई है, आज ससुराल के लिए जा रही है और रोती हुई जा रही अपने पिताजी से गले से लग करके रोने लगी और क्या बोली है, मोए काए को भेज रो विदेश ओ बबुला। पैदा हुई थी बिटिया जिसने बाबुल बना दिया, पढ़ा लिखा के बाप ने बिटिया को बड़ा किया, जितना दान दहेज था उस बाप ने उस बिटिया को दिया। आज बाप बिटिए बेटी को डोली में बिठालते बिठालते बाप के मुंह से निकल गया, आज मैंने गंगा नहा लिया। याद रखना भैया, मोई करके कहने लगा, बेटी बिटिया
कबहु नहीं छुपिए, चाहे घूम टूटे रे हाथ ले उसी समय बड़ी बहन की विदा हुई, लेकिन उसके पति की निगाह छोटी बहन पर थी, उस अपनी साली पर थी। मन में सोचने लगा कि अब हम इस पे ढांका डालेंगे और इसे भी अपना बना के रहेंगे। चला गया, चला गया वो। कई दिन हुए, वापस लौट के आया और उस अपनी साली को अपने पास में बैठा करके कहने लगा, क्या बोला है? चलाई गई तीर नजर को, कहने लगा एक बात बताएं, तुम्हारी बड़ी बहन से मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, हम तुमसे प्यार करना चाहते हैं। चलाई दो तीर नजर को मेरे भयों हैं दिल के पारे। कहने लगा वो कमीन अपनी छोटी साली से, कहने लगा चलाए दो तीर नजर को, तीर नजर को मेरे भयों है दिल के पार। पता नहीं कितनो तड़पावे, क्यों ना मोको कंठ लगावे। Oh,
फंसाने के लिए कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। हमारो ते की कलेजा चीरे, ए हमारो ते की कलेजा चीरे, जिले ना मो पे गम की पीरे, निशाना तेरी सकरी को मेरे भयो ए दिल के पार चलाए गई थी, भयो चलाई गई तीर नजरी को, तीर नजरी को मेरे भयो ए दिल के पार। मेरे भैया इस तरह से आज उसने अपनी छोटी साली को अपनी बातों में फंसा लिया, आज दोनों में बातें होने लगी, दोनों में प्यार हो गया। बड़ी बहन को कुछ पता नहीं है, उस भोली भाली को कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए तो कहना है मेरे भैया कई दिन हो गए कई महीने हो गए बात करते करते, अब तो उसने बड़ी बहन का प्यार अपने कब्जे में ले लिया, आज वो नीच बड़ी बाली को कुछ भाव नहीं दे रहा है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसकी सुनता भी नहीं है। हुआ क्या अब देश भैया, इसलिए तो कहना है अरे राजा वो मर जाई, जुलम है जो चलता पे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, बात है मेरे बबर शेर। और राजा वो मर जाए, जुलम है जो जनता पे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, मर जाए के जो औलाद को नहीं खड़ावे, जाए छुड़ावे,
चित्त में न लावे गुरु तो वो मर जाए के जो चिलाते भेद छुपावे गुरु तो वो मर जाए के जो चिलाते ज्ञान छुपावे याद रखना भैया आज इस छोटी बहन ने अपने जीजा के साथ में बहुत ही गलत काम किए। कई बार उसके साथ में जाने कौन कौन से शहरों में गई। आज उसने अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया साली से। फोन से बातें करता रहता है। एक दिन की बात फोन से बातें कर रहा है और क्या कह रहा है बतलाए दे मेरी जाने बोला है ओ बतलाए दे हो मेरी जाने हो जाने तुमने खाना क्यों ना खाओ रही है। साली उधर से कह रही है क्या प्यारी हमको याद सतावे प्यारी हमको याद सतावे नाय मुकू खाना चलो तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है हर पल तेरे संग रहेंगे दुख सुख सारे मिल के सहेंगे ये बात हमारी तुमने क्यों नहीं खाना खायो बतलाए दे बतलाए दे मेरी जानी ओ जानी तुमने क्यों नहीं खाना खायो Thank you.
याद रखना मेरे भैया, धीरे धीरे कुछ समय बीता चला गया, ऐसा ही नहीं सुनील, इठलाए ले मझिला। इस लड़की ने अपनी बहन के लिए कांटे बो दिए, ऐसी बहन को पैदा होते ही मर जाना चाहिए, ऐसी बहन को पैदा नहीं होना चाहिए। इठलाए ले मझिला, जय हो चली इठलाए लियो मझिला। कभी नहीं करना चाहिए। राजा पूछे गोजाउलिया, तेरी कैसे याद रखना। अब दोनों में बातें बहुत ज्यादा हो गईं, प्यार दोनों का हद से ज्यादा बढ़ने लगा। जब दोनों का प्यार आगे बढ़ा तो एक दिन की बात, बड़ी बहन को पता चला कि मेरी छोटी बहन मेरी पीठ में छुरा भोंक रही है। मेरी भैया इस बात तो हम तुम जानते हैं, अरे छोटी मोटी कामिनी सबई बिसकी पेली। छोटी हो या मोटी हो, छोटी मोटी कामिनी सबई बिसकी पेली। और तू सबल मारे दाई से जे मारे सिखेली। छोटी मोटी कामिनी
आज उस बड़ी बहन को पता चला कि मेरी छोटी बहन मेरी पीठ में छुरा भोंक रही है। ऐसा प्रतीत हुआ कि हजारों बिच्छुओं ने एक संक डंक मार दिए हों। आंगन में बैठ गई और वो दुखिया सोचने लगी कि जब ही मैं सोचती थी कि मेरे पिया हमसे बात क्यों नहीं करते हैं, मेरे पिया हमसे मिलते क्यों नहीं हैं, क्या हुआ। वो दुखिया आंगन में बैठ के रोने लगी और बहन से गाली देने लगी, अरे घर रोई रही जाकी घर बारी। अब देश भैया औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन उसका पति किसी दूसरी से बात करे ये कभी नहीं सहन कर सकती, कभी नहीं सहन कर सकती। अरे घर रोई नहीं है घर बहन मेरी कर बाए दही तूने ख्वारी प्रकार से बड़ी बहन रोने लगी और रो रो करके कहने लगी, बहन ये तूने क्या किया, मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, अब मैं मर जाऊंगी। क्या किया उस दुखिया ने, लीलो जहर मंगाई लो खाई विपत की मारी। लीलो जहर मंगाई लो खाई विपत की मारी। ना रहो लली को हो सुरे आका सयकल गई जहर मंगा लिया। उस दुखिया ने जहर को खाया बाके प्राण पखे रूयुली गए हैं धीरे धीरे। बाके प्राण पखे उड़ी गए हैं धीरे धीरे। आज वो दुखिया बिलक बिलक के रोने लगी, आज जहर खा करके तड़प तड़प के मरने लगी।
बतो तड़प तड़प के मर गई है, बतो तड़प तड़प के मर गई है। रोबत छोड़ो परिवार परिवार, बतो बिलक बिलक के मर गई है। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़े। आज उसकी छोटी बहन फूट फूट के रोने लगी, अपने आप को गालियां देने लगी। बतो तड़प तड़प के मर गई है, बतो बिलक बिलक के मर गई है। बको रोए रहो सब परिवार परिवार, बको बिलक बिलक के मर गई है। इस प्रकार से छोटी बहन की वजह से बड़ी बहन खत्म हुई। ये मेरी कथा यहीं पर प्रारंभ करते हुए सभी से आज जोड़ करके कहना है कि ऐसी गलती मत कर देना कि बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़े। अरे अब देश भैया ढोलक पे मेरो प्यारे आए माता दीन चिमटा पे भैया यो बतलाए। सोनू और उटी के भैया ने ध्यान लगाओ है, सोनू और उटी के भैया ने ध्यान लगाओ है। कार्तिक मेरे छैया को जिन्हें खूब पढ़ाओ है, मैं आकाश चेतन गुरु से ज्ञान बताओ है। ऐसे दुखिया मरी अरे ऐसे दुखिया मरी